एक्सपीरियंसिंग लाइफ स्नोफॉल हैज ऑलवेज बीन अ मेजर ड्रीम। बचपन से ही ना मुझे लाइफ स्नोफॉल होते हुए देखनी थी, बस इसीलिए मैं केदारकंथा निकल गया। ऐसे ही नहीं निकला, बकायदा ट्रिप अनाउंस की, बंदे जुटाए। आई लेफ्ट फॉर केदारकंथा लिटिल अर्ली सो दैट आई कैन एक्चुअली ट्रैक अप द माउंटेन एंड देन लीड इट विद अदर्स लेटर। आई रिमेम्बर कि मेरी जो ट्रिप थी वो बहुत ही अच्छे नोट पे शुरू हुई थी। आई वॉज ड्राइविंग डाउन फ्रॉम देहरादून टू संकरी, विच इज ऑल्सो द बेस विलेज फॉर केदारकंथा ट्रैक। द ड्राइव बिटवीन देहरादून टू संकरी, दोज 200 किलोमीटर्स आर आर्ग्यूएबली द बेस्ट 200 किलोमीटर्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू मी। यू नो एज किड्स हम अपनी ड्रॉइंग क्लास में एक परफेक्ट सीनरी की पिक्चर बनाया करते थे, क्यूट लिटिल हट्स, रिवर फ्लोइंग विद क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर, ट्रीज ऑल अराउंड, हरियाली ही हरियाली। बस ऐसा ही कुछ आलम था देहरादून से संकरी के बीच के रास्ते का। आई रीच्ड संकरी एट अराउंड 1:30 इन द आफ्टरनून। द प्लान वॉज वेरी सिंपल, नेक्स्ट डे आई हैड टू लीव फॉर द बेस कैंप। आई वॉज ओनली गोना गो टिल द बेस कैंप एंड नॉट डू द समिट एज आई वॉन्टेड टू डू द समिट विद अदर्स लेटर। हम होली वाले दिन समिट करने वाले थे, सो आई वाज लाइक आई माइट एज वेल डू इट विद देम। अब मैं सिर्फ बेस कैंप करके वापस आ जाऊंगा। अच्छा, पहले दिन तो संकरी जब मैं दोपहर को पहुंचा, आई डिड नथिंग, आई ओनली हैड माई फूड, वेंट इन टू माई रूम और कंबल ओढ़ कर पसड़ कर कोजी होकर सो गया, बिकॉज ठंड बहुत लग रही थी। हम शहर वालों को ठंडी की इतनी आदत भी नहीं होती। सो मैं चुपचाप पहले दिन सो गया आराम से। अगले दिन उठा, आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड आई लेफ्ट फॉर द बेस कैंप एज पर द प्लान। आई जॉइंड द ग्रुप दैट वॉज लेड बाई कन्हैया। कन्हैया इज द लोकल ट्रेकिंग गाइड इन संकरी एंड ही वॉज एनीवेज गोइंग अप विद फाइव ऑफ हिज क्लाइंट्स, सो आई जॉइन दैट ग्रुप। इनिशियली तो हमने ज्यादा बात नहीं की, बट बाय द टाइम वी रीच्ड बेस कैंप वी हैड बिकम इनसेपरेबल, वी बिकेम वेरी थिक फ्रेंड्स। एज सून एज वी रीच्ड बेस कैंप, केदारकंथा पीक वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। सच कहूँ तो 2-3 सेकेंड के लिए मेरा मन किया कि यही रुक जाओ, कल केदारकंथा का समिट करके निकलो, बट काम के लिए आया था तो निकलना जरूरी था, नीचे जाना जरूरी था। कन्हैया ट्राइड स्टॉपिंग मी, ही टोल्ड मी कि सुहास डोंट गो डाउन, हो सकता है कि तुम अंधेरा होने तक नीचे ना पहुंचो, व्हाई आर यू टेकिंग दैट रिस्क। इवन अदर्स सेड दैट यू कैन बंक विद अस इन अ टेंट, यू कैन ईट आवर फूड, वी हैव नो इश्यूज, स्टे विद अस, टुमारो यू कैन गो डाउन, बट मजबूरी थी तो नीचे जाना था। सबको बाय बाय बोल के केदारकंथा की कुछ अच्छी सी फोटोज लेके आई लेफ्ट। 3-4 कदम चला हूंगा एंड आई नोटिस दैट मेरे पीछे एक बहुत ही क्यूट सा डॉगी चल रहा था। He was the same doggy who actually joined my group when we were coming up to the base camp. Group walon ne uska naam Boo-Boo rakh diya tha. But the people who know me know that I'm extremely scared of dogs. I don't even like petting them. So initially I tried my level best to somehow get rid of him. But since he wasn't barking at me and he wasn't running behind me, I was all cool with him. Kuch 25-30 minute main chala hunga, main aage aage, Boo-Boo mere piche piche. ऊपर बेस कैंप पे लोकल्स ने कहा कि आज सुबह वापस स्नोफॉल हुई थी। वो सुन के मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया था कि स्नोफॉल तब क्यों नहीं हुई जब मैं बेस कैंप पे था। अब मेरा पूरा एजेंडा केदारकंथा आने का लाइव स्नोफॉल देखना ही तो था। सो ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल ही रही थी कि सडनली आई नोटिस्ड मेरे स्नो जैकेट पे कुछ गिर रहा है। आई वॉज वेयरिंग अ डार्क ग्रीन कलर स्नो जैकेट विच वॉज स्लोली टर्निंग इन टू व्हाइट। As a kid, I slowly looked up in the sky and realized that the sky is not blue anymore. The sky was grey now. मैं ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं देख पाया because I was actually living my dream. I realized कि वहाँ पे snowfall हो रही है and मेरा जो बाजू था that was full of little white cotton-like small balls which were nothing but snow chunks. I was on cloud 9 because this was the main reason to come to Kedarkantha. यही तो मैं बचपन से देखना चाहता था। आई वॉन्टेड टू डांस इन दैट मोमेंट, आई वॉन्टेड टू सिंग, आई वॉन्टेड टू स्क्रीम, आई वॉन्टेड टू जम्प, आई वॉन्टेड टू रन, आई वॉन्टेड टू सिट। सैडली मेरे आसपास एक भी ह्यूमन बींग नहीं था, अगर कोई था तो बस वो बूबू एंड आई वॉज एनीवे स्केर्ड ऑफ हिम। बट बर्फबारी एक्सपीरियंस करने के एक्साइटमेंट में मैंने बूबू को भी पेट कर लिया। अब स्नोफॉल खत्म हो गई 10 मिनट बाद एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग अगेन टूवर्ड्स संकरी। After walking for around a minute or so, I realized that जिन trails के भरोसे मैं base camp से संकरी जा रहा था बिना किसी guide के, वो trails को तो इस 10 मिनट की snowfall ने erase कर दिया है। There wasn't any trail in front of me. उस समय I did not really realize how serious this matter is. Only after being this close of falling down the cliff, which was again covered with snow,
I realized what deep misery I've put myself into right now. मुझे नहीं पता था कि स्नोफॉल जिसको मैं इतने दिल जान से चाहता हूँ is gonna become so dangerous for me. अब मैं आसपास देखूँ, ट्रेल्स ढूंढूँ, नीचे जाने की ट्रेल्स नहीं मिल रहे, ऊपर जाने की ट्रेल्स नहीं मिल रहे. हिम्मत करके I started walking a little more. और जितना ज्यादा मैं चल रहा था उतना ज्यादा मेरा पैर जो था वो बर्फ में ढक रहा था. अंडरस्टैंड दैट सुबह भी वहां पे बर्फबारी हुई थी और अभी भी 10 मिनट के लिए बर्फबारी हुई थी. एंड आई हैड अराउंड 3 feet ऑफ स्नो दैट आई हैड टू वॉक इनटू. अब पैरों में ठंडी लगने लगी, शरीर में ठंडी लगने लगी, जाने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा. और जो सनसेट 5:30 बजे होने वाला था वो 4:30 बजे ही हो गया, ऑल थैंक्स टू द स्नोफॉल. द स्काई वॉज ग्रे, विजिबिलिटी वॉज रियली लेस. And now I had no idea what I had to do. I wanted to walk ahead. I walked ahead. And I slipped. I fell. And I realized that if I continue walking without any trail, high chances I can die. That is when I realized that the worst place a person can get lost into is a snow jungle. And that is exactly where I was right now. जो दिल की धड़कनें इतनी खुश होकर झूम रही थी स्नो को देख के अब जोर जोर से धक 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 करने लगी. आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू. आई ऑलमोस्ट गेव अप. आई वाज सडनली स्केर्ड फॉर माय लाइफ. जहां देखूं खाई दिख रही है. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्लाइड, हाउ टू गो बैक टू संकरी. इतने में कुछ हुआ. बूबू द डॉगी, द क्यूट वन, ही स्टार्टेड वॉकिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी. फॉर सम रीजन आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम बिकॉज मुझे तो पता नहीं कि नीचे कैसे जाना है. आई थॉट ही इज अ लोकल, शायद ये मुझे नीचे ले जाए. इतने में बूबू एंड आई मेड अ कनेक्शन. इफ ही वुड रन आई वुड रन बिहाइंड हिम, इफ ही वुड स्लाइड आई वुड स्लाइड बिहाइंड हिम. एट प्लेसेस ही वुड स्लाइड डाउन, कम अप, वैग हिज टेल ट्वाइस, जंप ट्वाइस टू टेल मी दैट यू नो व्हाट, दिस इज द सेफ प्लेस, यू कैन कम डाउन. ऑल आई हैड टू डू वाज रीच जुड़ा का तालाब. बिकॉज जुड़ा का तालाब में कुछ गाइड्स थे, टेंट्स थे, एंड आई न्यू फॉर अ फैक्ट दैट वो गाइड मुझे आराम से नीचे ड्रॉप कर देंगे इफ आई रीच जुड़ा का तालाब सेफली. आई वॉज स्केर्ड एंड आई थॉट दैट आई वॉन्ट मेक इट बिकॉज द टेम्परेचर वॉज गेटिंग रियली कोल्ड और दोबारा बर्फबारी शुरू हो गई थी एंड दिस टाइम इट वॉज इन फन एनी मोर. करते करते बूबू को फॉलो करते करते रास्ते में बूबू वुड स्टॉप एंड ही वुड आस्क मी टू पेट हिम. उसको पेट करते करते समहाउ I safely reached जुड़ा का तालाब. An hour ago, I was thinking कि I'll die. Couple of hours ago, I wanted to get rid of this dog. And now, this dog made sure that I safely reached जुड़ा का तालाब. जैसे हम जुड़ा का तालाब पहुंचे, बूबू came and he started jumping on my feet. And I realized that we are at जुड़ा का तालाब now. मैंने बूबू को थोड़ा pet किया. And then I walked inside a tent. I met a guide. I told him that I want to go to Sankri. He asked for some money. I agreed on giving him some money. After this entire negotiation, I came out. I tried looking for Bubu, but unfortunately, I couldn't. I wanted to thank Bubu. Very honestly speaking, I started shedding a tear or two as well. I looked here and there. I don't know where Bubu went. I don't know if he went up back to the base camp or if he went down to Sankri, but Bubu wasn't there. In that moment, Bubu taught me 2 things. Number one, I'm glad that Bubu was there in this moment with me and not a human being, because humans break your trusts. Dogs do not break your trust. And number two, sometimes the best goodbyes in life are the ones where no words are uttered. उस दिन के बाद मैं बहुत बार केदारकंथा गया. पहली बार मैं केदारकंथा गया बर्फबारी देखने के लिए, बट उसके बाद मैं गया बूबू को मिलने के लिए. टिल डेट आई हैव नॉट मेट बूबू अगेन. जिस दिन वो मिलेगा आई विल मेक अनदर स्टोरी अबाउट इट एंड अपडेट यू गाइस.